चलो बढ़ो आगे बाबू। नन्ही सी हसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाही भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। है तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो मजबूर हुए जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया वो नफ्स नहीं फिर थमने दी जिस नफ्स को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये बेद हुआ सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू। हो मेरा साथ यहीं तक था ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है राजे तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरे ही रुतु धरती है राजे। ये मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। थैंक यू गाइस चैन जय भारत। और प्रोग्राम बनाते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आफाक एंड जिब्रान कर चले हम फिदा। हाँ जी दुकान रिस्पेक्ट प्रिंसिपल टीचर एंड ऑल रॉनरेबल चीफ गेस्ट आई माइसेल्फ जिब्रान आई माइसेल्फ मोहम्मद आफाक कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सतम दी गई नज जम दी गई फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया
वतन हमारा ऐसा कोई तोड़ ना पाए, वतन हमारा ऐसा कोई तोड़ ना पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई छोड़ ना पाए, दिल हमारा एक है एक हमारी जान, दिल हमारा एक है एक हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है हम उसकी शान। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए नमाज प्लेस पढ़ाएगा। India's my country, Indian are my pastor, all my country, and I am proud of Ignis. I want to Ignis and at children, I salute my parents, teacher and best to my country and to my school, our nation. Teddy bear, teddy bear, ten round, ten round, teddy bear. Ten round, teddy bear, police are shoot, teddy bear, go to school, go to school. Next program के लिए कुलसुम and teen सारे जहां से अच्छा। Teacher and hall neighbors, chief guest, I myself Kulsum. I myself Alisa Khatun. Sari jahan se achha, Hindu se ta hamara hamara. Sari jahan se achha, hum bulbule hai iski, ye gulsita hamara hamara. Sari jahan se achha, gurbat mein. समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा सारी जहां से अच्छा इतनी पाल है कि हंसती गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां गुलशन है जिनके दम से रस के जीना हमारा हमारा सारी जहां से अच्छा हम बुलबुले गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां गुलशन है जिनके दम से रस के जीना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में मालूम क्या किसी को दर्द जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गुरबत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वही हमें भी दिल है जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा जय जय तो अगले प्रोग्राम के लिए अलजीबा नाथ के लिए Respected principal, teacher and all honorable, I myself Aljiba Khatun. गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला हमें नेक इंसान बना मेरे मौला गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला हमें नेक इंसान बना मेरे मौला जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है हमें
बचा मेरे मौला हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तू है वो को मेरे छिपा मेरे मौला, तू है वो को मेरे छिपा मेरे मौला, गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, न मोहताज कर तू जहाँ मैं किसी का, न मोहताज कर तू जहाँ मैं किसी का, मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मौला, मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मौला, गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, जो रहमत तेरी शामिल हाल हो तो, जो रहमत तेरी शामिल हाल हो तो, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, मेरी ताकयामत जो नशले हो या रब, मेरी ताकयामत जो नशले हो या रब, वो सब आशिके मुस्तफा मेरे मौला, वो सब आशिके मुस्तफा मेरे मौला, गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, जय जय मौला। अब आपके बीच में हिंजे आदा सर आने वाले हैं, ये पुलिस में जॉब करते हैं, और इनका स्वागत करने खड़े होंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जो आज का दिन है 26 जनवरी, इस दिन हमारे देश का संविधान जो है लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है 15 अगस्त को 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उस समय अंग्रेज़ों की अधिपत्य उस समय रही थी, आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन कोई हमारा संविधान और कानून नहीं था, तो इसी दिन अपना संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसलिए इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और हमारे एक नया देश को संविधान मिला था जो है, तो हम लोग जो है अपने संविधान को मानते हैं, उसी को प्लस में अपना कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, मनाया जाता है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है यहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल हैं और अनस आगन जो है बड़े मेहनत से और मेहनत करते हैं आप लोग पढ़ाने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि उस चीज़ का आप लोग लाभ लें और पढ़ के अपने अंदर जो है प्रतिभा को निखार लाएँ और अच्छे से अच्छे पदों के ऊपर जाएँ कि यहाँ का भी नाम कुछ अच्छा हो, और मैं बस आप लोग से यह आशा करूँगा कि आप लोग पढ़ के जो है अच्छे से अच्छे ज्ञान अर्जन करके और ऊंचाइयों पर जाएं और यहाँ का नाम रोशन करें, मेरी आप लोग से ही दिल इच्छा है, जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छे होंगे, और जो पढ़ाया जा रहा है मेहनत से उसको आप लोग सार्थक बनाएँ और यहाँ का नाम रोशन करें, मेरी आप सब यही आशा है, थैंक यू। तो जैसा कि सर ने बताया आप लोगों को
कि आपसे सर की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य आप ही लोग हैं, तो सर ने जो बताया उसको आप लोग सोचिए उसके बारे में, ठीक है, और मेहनत करते रहिए मन से। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नए दूसरे प्रोग्राम के सना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सना एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। We the people of India have solemnly signed to Indian Constitution justice, social, economic and political liberty of thought, of expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity and the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution is assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and keep कुर्सीदा स्पीच के लिए रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर एंड हॉनरेबल आई माई सेल्फ चीफ गेस्ट आई माई सेल्फ कुर्सीदा मैं अपने देश का हरम सम्मान करती हूँ, यहाँ की मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मैं अपने देश का हरम सम्मान करती हूँ, यहाँ की मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे डर नहीं है अपनी मौत से, कि मुझे डर नहीं है अपनी मौत से। मौत से तिरंगा बने कफन मेरा, कि तिरंगा बने कफन मेरा ही अरमान रखती हूँ। किसी को लगता है हिंदू खतरे में, तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में। किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, कि धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में। किस देश की हिफाजत मत रमता करेंगे, किस देश की हिफाजत मत रमता करेंगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे आजाद हैं। जय हिंद, जय भारत। तो अगले प्रोग्राम के लिए सहनुमा and all chief guests. I myself Sinma. I myself Saima. मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने जरा आँख में भर।
कर कुर्बान। जय हिंद जय भारत। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमारा ऊंचा रखना, सर हमारा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। अगले प्रोग्राम के लिए पीहू नाथ के लिए Respected principal, teacher and all honorable chief guest, I myself Pihu. Tu ameer e haram, main faqeer e azam. Tu ameer e haram, main faqeer e azam. Tere gun aur ye lab, main talab hi talab. Tere gun aur ye lab, main talab hi talab. Tu aata hi aata, tu kuja man kuja. इल्हाम जामा है तेरा, इल्हाम जामा है तेरा, कुरआ इमामा है तेरा, कुरआ इमामा है तेरा। मिंबर तेरा हर शे भरी, मिंबर तेरा हर शे भरी। या रहमतुल लिल आलमी, तू कुजा मन कुजा, जा मन कुजा। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर। जिदरा तू मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। जय हिंद जय भारत। अब मैं आपके बीच अपने स्टाफ को बुलाना चाहता हूँ। फिरदौस मैम, तालियों से स्वागत करो, आवाज नहीं आ रही है। जैसे कि हम यहाँ आज 26 जनवरी के दिन पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। 26 जनवरी को जैसे 26 जनवरी 2023 का ये क्या 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन क्या हमारे देश का संविधान लिखा गया था। इस संविधान के निर्माणकार कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इसको लिखा था। और देश का संविधान सुबह 10:18 पर क्या लागू किया गया था। संविधान यानी जिस देश में जो चीज होने वाला है, वो चीजों को भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। यानी कि पहले के लोग क्या जाति पाति ये सब के भेदभाव करते थे, इसी वजह से क्या भीमराव अंबेडकर ने क्या देश का संविधान लिखा था। हमारे देश की आजादी के लिए जैसे कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, और आजादी के बाद भी अरे एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी जैसे लोगों ने क्या निर्माण कार्य किया, और बहुत से लोगों ने क्या अपना योगदान दिया। और स्वर्गीय क्या श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो पूरी अच्छी तरीके से क्या अपने देश के लिए स्वतंत्र नहीं करवा लेंगे, ये घोषणा की थी कि क्या हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या हमेशा क्या प्रतिज्ञा ली थी। इसी वजह से क्या उन्होंने ये देश जब आज़ाद हो गया उसी मौके पर क्या
26 जनवरी 1950 को यह देश का संविधान लिखा गया, जैसे कि ये देश के लोग थे जिन्होंने आजादी दी। हमारे घर में भी देखो, हमारे घर में एक और ऐसी शख्सियत रहती है जो हमारे लिए दिन भर लड़ती है, यानी हमारे लिए दिन से लेकर रात तक वो क्या हमारे लिए काम करती है। अब वो कौन है? हमारी माँ है। हमारी माँ है ना, सुबह से उठती ही रात के अंधेरे तक क्या वो हमारे लिए हर चीज़ करती है, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो हर चीज़ का ख्याल रखती है। सुबह उठती है, हमारे लिए खाना पकाती है, ये सारी चीज़ें करती है। अब एक दिन माँ घर पे ना रहे तो क्या हमारा कोई काम नहीं होता है? हम सोचते हैं अगर अम्मी होती तो हमारा ये काम हो जाता है ना। माँ की क्या, माँ एक ऐसी चीज़ है जिसकी मतलब हमेशा कमी होती है, कहीं भी वो चली जाएगी तुरंत ही दिल में ये ख्याल आएगा कि माँ होती तो ये काम हमारा जल्दी हो जाता। ऐसे ही क्या एक शख्स था, उसने क्या शादी की, पहली शादी की, उससे एक बेटा था, दूसरी शादी की, तो क्या हुआ एक दिन वो क्या अपने बच्चे के साथ बैठा और बोला कि बेटा तेरी पहली और दूसरी माँ में फर्क क्या है, पूछता है तेरी पहली और दूसरी माँ में फर्क क्या है। वो कहता है कि पहली माँ जो थी वो झूठी थी और दूसरी माँ सच्ची है, दूसरी माँ सच्ची है। तो बाप बड़े हैरत में बोलता है कि तेरी जो खुद की माँ थी वो झूठी है और दूसरी माँ सच्ची कैसे। तो उसने कहा कि जो अपने बाप से कहता है बेटा कि माँ जो मेरी पहली माँ थी कि मैं चाहे जितना लड़ता था मतलब शरारतें करता था लेकिन वो क्या कहती, वो मैं कहती थी मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, मैं तुझे कमरे में बंद कर दूंगी, लेकिन क्या होता था शाम होते ही वो क्या मुझे खाना खिलाती थी। चाहे जितना ही वो हमसे लड़ ले, चाहे जितना हमको डांट ले, लेकिन वो क्या हमको कहती थी कि खाना खा ले, यानी वो कहती थी अगर मैं नहीं खाता खाने से मेरा पेट भर जाता तो कहती थी खा ले मेरी चांद खा ले मेरे लाल। यानी एक माँ ही है जो हमें ऐसे कर सकती है। अब दूसरी माँ में क्या फर्क है कि वो सच्ची है, कि वो कहती थी कि तू मस्ती करेगा तुझे खाना नहीं दूंगी, तू शरारत करेगा स्कूल नहीं जाएगा तो तुझे बंद कर दूंगी। तो क्या बेटा कहता है कि जो दूसरी माँ है वो सच्ची थी, यानी कि वो जो कहती थी वही करता था, मैं कुछ भी नहीं करता था शरारत भी नहीं करता था तो भी क्या वो मुझे बंद कर देती थी। तो यही क्या है कि पहले माँ ने और दूसरी माँ में यही फर्क है ना, कि माँ जो होती है खुद की होती है। हम भी कितने खुद नशीब है कि हमारी माँ हमारे साथ है, उसके आगोश में हम पलते हैं, लेकिन वो बहुत से बच्चे होते हैं अपनी माओं को जवाब दे देते हैं। तो क्या करें, आप लोग हमेशा अपनी माओं की कदर किया करें। जैसे हम अपने देश की जिम्मेदारी है वैसे तरह हमारी माँ भी एक है, हमारे घर में रहती है, हमारे लिए हर दिन हर चीज़ करती है, उसी तरीके से क्या आप सभी लोग अपनी माओ की क्या कद्र करेंगे आप सभी लोग करिएगा। अब मैं अपने आपको इस स्पीच को ख़त्म करती हूँ। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, बस मेरी माँ है जिसको मैं सब मानता हूँ। और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए नूर सिदा पोयम के लिए, नूर सिदा दिखलाती फल फूलों से भरे बगीचे, चिड़िया मीठी गीत सुनाते, देश मेरा सबसे न्यारा कितना सुंदर कितना प्यारा। जय हिंद जय भारत। अल्तमस और अरसलान छोड़ो कल की बातें। स्पेडेड प्रिंसिपल टीचर हॉनरेबल चीफ गेस्ट आई माई सेल्फ अल्तमस आई माई सेल्फ अरसलान
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। आज पुराने जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देंगे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद की दर पर जा पहुंचाए आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है नई घुमाएंगे अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल और बनाने, कितनी है अजंता को और सजाने। नया खून है नई उमंग अब नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। अपनी मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथ को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है नई उमंग अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। जय हिंद जय भारत। की जिगर अगर हीरो का हो तो नाम हिंदुस्तान के वीरों का हो। नूर सबा पोयम के लिए। बारी बार सार ने खट्टा मीठा आम बात है, इसने कोई खा हर कोई दे किसी राजा दिन का सिर रहना पर गर्मी के मौसम में आता फलों का राजा। जय हिंद जय भारत। कुलसुमैन अलीशा ऐ वतन वतन। अलशिफा विनती सुन ली है भगवान, हम सब
चप्पल खाना दान हाथ जोड़कर हम सब करते रोज तुम्हारी ही गुणगान वीर बने हम धीर बने हम पढ़ लिख कर बने महान करें सदा देश की सेवा तो हमको ऐसा वरदान परिलोक की कथा कहानी हंस कर मुझे सुनाती मम्मी फूलों वाले तितली वाले गाने मुझे सिखाती मम्मी खीर बने या गरम पकोड़े पहले मुझे खिलाती मम्मी होमवर्क पूरा कर लो तो टॉफी केक दिलाती मम्मी रूठ तो बस बात बनाकर पल में मुझे मनाती मम्मी का कर मुझे बड़ा लाड़ली तू तो मेरा काकर मुझे रिझाती मम्मी जय हिंद जय भारत। शोएब और जिशान जहां डाल डाल के बोलो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर एंड ऑल हॉनरेबल चीफ गेस्ट आई माई सेल्फ मोहम्मद सर आई माई सेल्फ मोहम्मद जिशान जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ हर इंसान धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला और राधा एक एक बाला जहाँ सूरज अब से पहले आकर डाले अपना फेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बाती जाए जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए ये अमृत पिलवाए वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जय जय भारत। अब मैं आपके स्कूल के डायरेक्टर सर को बुलाना चाहता हूँ तो तालियों से स्वागत करें। आवाज नहीं आ रही है सर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। आखिर आए हैं झंडा लेके आए हैं रैली में गए वहाँ पे भी सब लोग अपना अपना स्लोगन बोले कुछ लोग अच्छे से लाइन लगे मेन जो रूल था वो स्कूल का रूल फॉलो किए और फॉलो करके आके यहाँ पे बैठ गए। इसके बाद क्या होगा इसके बाद कुछ टाइम बाद सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा आप लोग लड्डू मिलेगा मिठाई मिलेगा और अपने घर चले जाएंगे। तो क्या यही 26 जनवरी थी 26 जनवरी को ऐसा कुछ थोड़ी ना हुआ था कि आज 26 जनवरी है चलो ठीक है स्कूल सुबह नहा धो के चलना है झंडा ले लेना है और वहाँ से आते समय मिठाई स्कूल से मिल जाएगा और आ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के बनाए जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो किसने बनाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो उनके जीवन की कुछ उनके जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनकी जो कास्ट था उस समय कास्टिज्म बहुत चल रहा था। कास्टिज्म का मतलब काले गोरे से भेदभाव और ऊंचे नीचे से भेदभाव। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे तो इनकी जो जाति थी ये बहुत नीचे जाति थी। तो इन लोगों को बोला जाता था कि आप लोग कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग स्कूल में बैठ नहीं सकते अगर पढ़ने चले गए तो बैठ भी नहीं सकते और पढ़ने ऐसे जाएंगे जहाँ पे कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा सिर्फ आप ही पढ़ेंगे।
तो ये बचपन से ऐसे थे कि इनका मन पढ़ाई में लगता था और सबसे बोलते थे हम पढ़े के ये बनेंगे, हम अपने देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे और भी ढेर सारे बोलते थे। तो जब ये बोलते थे तो इनके दूसरे लोग क्या मजा ले क्या लेते थे कि अरे तुम तो नीचे जाति के लोग हो, तुम कैसे कर पाओगे, यही बोलते थे। आप ही लोग बताइए, अगर आप लोग अपने बगल वालों से बोलें कि बड़ा हो गया हम इंजीनियर बन जाएंगे, 10 लाख की गाड़ी होगी, 50 लाख का घर होगा, तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, कहेगा अरे तुम पढ़ जाओगे, पढ़े लिखे आता नहीं वैसे क्या कर पाओगे। तो ऐसे सबको, ऐसे इनको भी सब परेशान करते थे। तो इनका कुछ जुगाड़ था, इनके पापा का कुछ जुगाड़ था स्कूल में, तो इनके पापा स्कूल लेके गए और जब ये क्लास 5th में थे तब स्कूल इन्होंने ज्वाइन किया। और स्कूल जब ये पहला दिन स्कूल गए तो इनके टीचर ने बोला कि आप इस लायक नहीं हैं कि क्लास में बैठ करके सारे स्टूडेंट के बीच में पढ़ सकें, अगर आपको पढ़ना है तो आप क्लास के किनारे ज़मीन में बैठ के पढ़ सकती हैं, अगर आप घर से भी कुछ लाते हैं बैठने वाला तो वो यहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको पढ़ना है तो ज़मीन पे बैठ के, वो भी क्लास के बाहर बैठ के। तो ये उस समय भी राजी हो गए, ठीक है हम पढ़ना चाहते हैं, इनका मन पढ़ने में बहुत लगता था और ये इतने अच्छे थे कि ये एकदम तैयार हो गए कि हम ठीक है भले क्लास के बाहर बैठ के पढ़ेंगे लेकिन हम जंगले से देख के पढ़ेंगे और हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन लोग इनके विश्वास नहीं करते थे, कहते थे अरे तुम नीचे जाति के लोग हो, तुम कैसे करोगे, तुम कैसे करोगे। तो पहले दिन जब ये क्लास गए तो क्लास में जाके बैठ गए तो क्लास में लाइट जल रहा था उस समय, तो इनकी परछाई दूसरे लड़कों के टिफ़िन पे आ रही थी, तो दूसरे लड़के जल्दी जल्दी अपना टिफ़िन हटाने लगे, तो लोग ये पूछें कि अरे क्या हुआ बताओ, तो इन्होंने बोला कि अरे हमसे क्या हुआ, तो लड़के बोले कि अरे तुम्हारी परछाई भी अगर हमारा खाने पे पड़ जाए तो हम खाना को खा नहीं सकते, इन्होंने यही बोला। वो मतलब उन लोगों ने यही इनसे बोला कि अगर तुम्हारी परछाई भी हमारे खाने पे पड़ जाए तो हम उसको खा नहीं सकते। अब सोच लीजिए उनके ऊपर क्या बीता होगा उस समय, लेकिन वो भी फिर पढ़ते रहे और पढ़ते रहे आगे। उसके बाद उनके सर ने उनको बुलाया और कहा कि चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, वो क्वेश्चन उन्होंने सही सॉल्व किया, लेकिन कहें कि अरे अब तुम चौक छू दियो, डस्टर छू दियो, क्लास में आ गए, अब सारा क्लास गंदा, अब तुमको नहीं आना पड़ेगा। तो बाद फिर से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करते करते ये क्लास के गेट के बाहर बैठ के पढ़ते थे और जहाँ जंगला उंगला रहता था वहीं से देख के पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते फिर इन्होंने सबसे पहला अपना जो BA का ग्रेजुएशन किया वो न्यूयॉर्क से किया, आउट ऑफ इंडिया से, क्योंकि इंडिया में ये नीचे जाति के लोग थे और इनको मिल नहीं रहा था, पढ़ने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। और एक बार इनकी क्या गलती हुई थी बचपन में कि ये गए थे, प्यास लगा था और एक कुआं था इनके, मतलब ऐसे ही समझ लो गांव में शहर में, तो वो उस कुएं से जाके बिना पूछे पानी पी लिया। तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि अरे तुम नीची जाति के लोग हो, हमारे कुएं से पानी कैसे पी लिए, तुमको यहाँ से पानी नहीं पीना है, तो ये गलती से पानी पी लिए थे। उसके बाद जब ये हमारे यहाँ आके वापस अपना सारा ग्रेजुएशन की डिग्री पास हो गए, उसके बाद हमारे यहाँ आके ये जब इनको मिनिस्ट्री में मतलब मिला था जॉब, तो ये जॉब में थे और उसके बाद इन्होंने पहला आंदोलन चलाया कि कास्टिज्म होना नहीं चाहिए इंडिया में। पहला आंदोलन यही चलाया कि कास्टिज्म नहीं होगा और ये जाके सब लोग कुएं के पास बैठ गए और कहें कि कोई भी नीची जाति का हो या कोई भी जाति का हो, हम लोग सब लोग मिल करके एक इस कुएं से पानी पिएंगे, इसमें कोई नहीं देखा जाएगा कि आप नीची जाति के हो, आप बड़े जात के हो। उसी वक्त ही इन्होंने गांधी जी से मिले, गांधी जी उस समय नमक आंदोलन आप लोग सुने होंगे, नमक आंदोलन चल रहा था, उसी में गांधी जी से मिले, गांधी जी की भी कुछ सहायता की क्योंकि गांधी जी भी आंसन पर बैठे थे कि नमक हम लोग फॉरेन कंट्री से नहीं लेंगे ना, ब्रिटिश कंट्री जो थी उससे नमक नहीं लेंगे, हम लोग अपना नमक खुद का बनाएंगे, और नमक खुद का बनाना उन्होंने कुछ नहीं था, वो यहीं से नमक रहता था। बेसिकली आज जो नमक मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, जितनी भी शीश हैं शीश के किनारे डिग गड्ढा कर दिया जाता है, बाद में पानी आता है, सनलाइट पड़ती है, सूख जाता है, वही तो नमक रहता है। तो वही सेम नमक बाहर और किसी कहीं से नहीं आता, सब यहीं से आता है, इंडिया में सब कुछ हमारे यहाँ से आता, बाहर से कुछ नहीं आता। तो बाद में इन्होंने एक बुक अपने लिखी, रुपी वे बुक लिखी कि भारत का एक अपना करेंसी होना चाहिए, पहले हम लोग की करेंसी भी नहीं थी, तो बाद में इनके बुक के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मेन है नोटों का, जहाँ से नोट प्रिंटेड होके आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी पूरी बुक को पढ़ के एक भारत का अपना करेंसी रुपी छापा और आज रुपया चल रहा है सबके पास होगा प्रेजेंट टाइम में। तो ये शुरू से स्ट्रगल करते रहे, जितने भी लोग हैं ये जान जाओ, चाहे हम हो या आप हो, जब बचपन में होंगे हम लोग कहते होंगे अरे बड़ा बन के टीचर बनेंगे, तुम टीचर बन पाओगे, हिम्मत है बोलने का, यही बोलते होंगे। अभी आप लोग में से कुछ छोटे छोटे बच्चे ऐसे आए जो यहाँ पे आके भूल जा रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे, तो क्या पहली बार से सारा चीज़ हो जाएगा? पहली बार करने से कुछ नहीं होगा,
आप पहली बार करिए फेल होंगे, दूसरी बार फिर करिए, फिर अटैम्प्ट, आप अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट करते जाइए, एक ऐसा समय आएगा कि आप पास हो जाएंगे। बस आपको करते जाना है, आपको अटैम्प्ट पे नहीं सोचना है कि कितना अटैम्प्ट हुआ, कितना अटैम्प्ट किया, अरे वो क्या बोलेगा, लोग तो बोलेंगे ही। अगर लोग आपको नहीं बोल रहे हैं तो इसके मतलब समझिए कि आप लोगों से कुछ नहीं और अपने आप का भी कुछ फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती अगर हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो होता है बेइज्जती का होता है। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो मुस्कुरा के कहिए और करे, क्योंकि बेइज्जती का जो अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत तेज़ दौड़ने लगता है। अब आप फिर अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसके बारे में खुरापात, अरे उसको वहाँ मार लेंगे, हमें ऐसा कहा, हम दूसरे पे जाके चुगली करेंगे, ये सब कुछ नहीं होता। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आप मुस्कुराइए, कहिए और करें, क्योंकि आप उस लायक हैं कि वो आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर कोई आपको नोटिस कर रहा है तो इससे बड़ा बात कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको देख रहा है कि आप कर रहे हैं, आपको हटाना चाहता है, आपको हटाना चाहता है उस पोजीशन से कि आप किसी पोजीशन पे लगे हुए हैं, उस पोजीशन से आपको हटाना चाहता है। बेइज्जती करने का यही मतलब है कि आपको बेइज्जती की जाए, उसके बाद आप सोचेंगे अरे हम गलत कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, यही तो होता है बेइज्जती करने में। एक छोटी सी और स्टोरी थी कि एक चर्च था, चर्च में एक फादर, एक प्रिस्ट थे। प्रिस्ट वो बोल रहे थे कि जितने भी अगर किसी के पावर एक किसी के पास एक चावल कितना भी स्किल सॉरी विल पावर हो तो वो पूरे दुनिया को जीत सकता है। विल पावर मतलब समझ रहे हैं? विल पावर मतलब होता है कि अपने मन में एक उम्मीद जुटाना। जैसे मान लीजिए अभी कहते हैं कि यहाँ आके बोल दीजिए तो सबके पास होगा, यहाँ आके बोल देंगे। अब कहते हैं कि चलिए सब लोग हमारे साथ लाल किला, वहाँ पे बोलना है, तो कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो मन में सोचेंगे अरे लाल किला क्या, हम कहीं भी बोल देंगे। वो मन में आत्मविश्वास जिसे बोला जाता है। तो अगर आपके पास एक चावल के दाने कितना भी आत्मविश्वास हो तो आप इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। और बेसिकली जो हमारा इंडिया चलता है ये स्किल पावर से चलता है। स्किल पावर मतलब समझ रहे हैं कि आपको किस चीज़ में किस चीज़ का किया है। जैसे मान लीजिए अगर आप खेत में काम करते हैं 2-3 सालों से कर रहे हैं, इसके मतलब आपके एग्रीकल्चर की स्किल है, यही तो स्किल हुआ। विल थोड़ी ना आप हम कहें कि हम खेत में काम करेंगे, हम खेत में ऐसे थोड़ी ना करने लगेंगे। तो वो प्रीस्ट बोल रहे थे कि एक आदमी के पास अगर एक चावल कितना भी चावल के दाने कितना आत्मविश्वास हो तो वो इस पूरी दुनिया को जीत जाएगा। तो ये कहते कहते वो उन्होंने अपना समाप्त कर दिया। उसके बाद एक छोटा सा लड़का आया जो राइट लेग से पूरा पैरालाइज था। उसके बाद सर क्या प्रीस्ट क्या पूछा कि सर हमारे पास तो बहुत सारी आत्मविश्वास है, हम चाहते हैं कि सर हमें रनिंग में ओलंपिक मिले, रनिंग में गोल्ड मेडल मिले, ये मिले वो मिले। तो सर बोले कि तुम्हारा दूसरा पैर? तो कहा सर दूसरा पैर तो पैरालाइज है, लेकिन सर आत्मविश्वास बहुत है, कूद जाएंगे, माउंट एवरेस्ट चढ़ लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि जब तुम चल ही नहीं पा रहे हो, सही से लंगड़ाते हुए यहाँ आए, तुम क्या कर पाओगे? प्रीस ने बोला, लेकिन उसके पास ये था कि हाँ हमारे पास आत्मविश्वास है, हम कर सकते हैं। और 10 साल बाद उस लड़के ने जो लेफ्ट लेग से पैरालाइज था वो रनिंग में गोल्ड मेडल जीता। अब सोच लीजिए लेफ्ट लेग से पैरालाइज होकर रनिंग में गोल्ड मेडल जीत रहा है, जहाँ रनिंग में दो दो पैर से दौड़ने वाले लोग आते हैं और ये लड़का एक पैर से दौड़ रहा है। इससे पूछा गया कि सर आपने कैसे किया? तो इन्होंने बताया कि जब हम गए थे, प्रिस्ट ने बोला कि अगर एक चावल कितने के दाने कितना भी अगर आपके पास आत्मविश्वास हो तो आप कर सकते हैं, और मेरे पास आत्मविश्वास बहुत है, हम अभी दौड़ने क्या, हम एरोप्लेन भी चला सकते हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास है। तो आप लोग अभी जैसे मान लीजिए कुछ लोग पढ़ते हैं फेल हो जाते हैं, फैमिली बोलती है, फैमिली पापा मारते होंगे, अरे फेल हो गए अब नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, कुछ किसी कर्म लायक ना ही हो, तो अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ मुस्कुराना है। और जवाब क्या देना है? बहुत बढ़िया। जवाब क्या देना है सर? बहुत बढ़िया। और कहिए, मार रहे हैं कहिए और मारिए, कितना मारेंगे आप ही बताइए, दो अब हाथ मारे कह दिए सर दो हाथ और मार दीजिए, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास है कि हम कर ले जाएंगे, तभी होगा। ऐसे नहीं सोचने से कोई चीज़ थोड़ी ना हो जाएगा। अब यहाँ सोच के हम कहें कि अरे हमारा जमीन बन रहा है, हम जमीन 50 बीघा करें, हो जाएगा? सोचने से कुछ काम नहीं होता। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं बैठ के सोचते हैं अरे हम बड़े होकर PM बनेंगे, बन लो। सोचने से अगर होता तो सब सोच सोच के अब तक यहाँ सब लोग कितने लोग बैठे होते हैं। तो कोई भी काम सोचने से नहीं होगा, और जिस चीज़ को आप काम कर रहे हैं उस चीज़ पर लगे रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे मेन काम है भूलना। भूलना किसको है? मम्मी पापा रिलेशन घर सब कुछ भूल जाइए, अपने आप को हमारे पास समर्पित कर दीजिए। अगर आप समर्पित करेंगे तो आप उसी लायक बनेंगे, इतना जान जाइए।
यहाँ से शुरू में मुझे क्या मिला, सुबह सुबह यहाँ हम 6 बजे आए, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो 6 बजे से पहले आए थे, बाहर खड़े थे, हम मेरा वेट कर रहे थे। तो मैं उन बच्चों के अंदर एक चीज़ देखा कि उन लोग से अगर कहा जाता कि सुबह 6 बजे क्लास है पढ़ने आना, तो कोई नहीं आता, 6 बजे कोई नहीं उठ के आता। पेरेंट्स भी फ़ोन करके कहते हैं, अरे सर जी ये क्या कर रहे हैं, 6 बजे बुला रहे हैं। अब आज के टाइम कोई किसी पेरेंट्स ने नहीं बोला या कोई बच्चे नहीं बोला कि सर 6 बजे, लड़के कह रहे थे अरे सर हम 5 बजे आ जाएंगे बुला लीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो मेरा हेल्प किया है इस जगह पर रहने के लिए, वो सबसे पहले आते हैं मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सब बहुत अच्छे लड़के हैं। और अगर हम कहते कि चलो माउंट एवरेस्ट तोड़ना है तो लड़के लग जाएंगे, पेरेंट्स कब नहीं सुनेंगे। इस समय वो बच्चे सोच रहे हैं कि हम उनके मम्मी पापा रिलेशन सब कुछ हैं, और वो बच्चे स्कूल में भी दिन भर रहते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं नर्सरी के, वो सुबह 7 बजे आते हैं 8 बजे जाते हैं। अब सोच लो इतने देर तक रहते हैं, मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलते। तो जो अपने आप को समर्पित करेगा सब कुछ भूल के, वो ही करेगा। अब उसी में आप चलिए, बीच में पढ़ाई हो रहा है चल चले नानी के यहाँ, फिर बीच में पढ़ाई हो रहा है चल चले खाना खाने, तो वो चीज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को कभी भी कंफर्टेबल जोन में मत बनाओ। कंफर्टेबल जोन मतलब क्या होता है कि अगर आपको ब्रेकफास्ट सुबह के टाइम 8 बजे मिल रहा है तो 8 बजे मत करिए, उसको डिस्टर्ब करिए। क्योंकि जब उसको डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होगा। और अभी पर्सनल से हम ब्रेन भी पढ़ा रहे थे ना, कि जो चीज़ ब्रेन में सोचेंगे उसका हार्मोन निकलेगा, और हार्मोन की वजह से वो काम हो जाएगा चाहे जो करना हो। आपको अगर मान लीजिए अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में पापा से पैसा चाहिए, तो सुबह सुबह पापा से पैसा दिए तब तक मांगेंगे जब तक आपको पैसा मिलना जाए, यही होता कि नहीं। आप तब तक पैसा मांगेंगे या तब तक जो कुछ मांगेंगे, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाता, तब तक आप मांगते रहते। क्यों? ये आप नहीं मांग रहे हैं, आपके अंदर ब्रेन क्या निकाला, हार्मोन निकाला, इसकी वजह से आप मांग रहे हैं। और जब आपको मिल गया तो वो हार्मोन निकलना ख़त्म, इसी वजह से वो आप मांग ही नहीं सकते। आप 1 रुपया मांगे, 1 रुपये के बाद 1 रुपया और दे दो, ऐसे नहीं करते ना। क्योंकि जितना चीज़ मांगना होगा वो उतना अमाउंट में मांगेंगे, उसके बाद आपने नहीं मांगे फिर नेक्स्ट डे मांगेंगे या फिर कुछ टाइम बाद मांगेंगे। तो वैसे ही सेम आप पढ़ाई को करिए, पढ़ाई को करना है दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब तक एक पूरा याद हो जाता तब तक खाना नहीं खाएंगे, चाहे वो दोपहर का हो चाहे वो शाम का हो, उसके बाद देखिए। क्योंकि ब्रेन से क्या निकलेगा, हार्मोन, और उसकी वजह से आपको पूरा बुक याद हो जाएगी। आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा उस लायक। आपको उसे 1 बजे तक पढ़ते हैं 5 बजे तक पढ़िए, डिस्टर्ब कर दिए पूरा शेड्यूल इधर से उधर कर दीजिए, दिन भर सोइए कुछ नहीं दिक्कत, दिन भर सोइए रात भर पढ़िए, सामने वाले को क्या लगेगा कि आप पढ़ ही नहीं रहे। उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका रिजल्ट देख के वो चौंके कर रहे हैं, तुम तो सोते थे दिन भर हमारे साथ, तुम कैसे कर लिए। चिल्ला रहे थे, ऐसा नहीं कि आप उससे धीरे, अरे हम थोड़ी ना धीरे चिल्लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं चिल्लाता बगल वाले को मार के, चल तुम भी चिल्लाओ, कहाँ नहीं चिल्ला रहे हो, यही तो कर तो ऐसा करके आए, हम देख रहे थे, मैं यही नोटिस कर रहा था कि आप लोग वहाँ कर क्या रहे हैं। तो हम देखें ऐसे ऐसे बच्चे बोल रहे थे जो कभी क्लास में ऐसे पूछो क्या है, कुछ नहीं, अपना नाम तक नहीं बोल पाते। 2-3 लड़के ऐसे हैं, हम लोग क्लास में पूछते हैं क्या नाम है, चुप। और आज देखिए एकदम भरपूर में भारत माता की जय जय बड़े बड़े हैं। क्यों? क्योंकि सामने वालों को आपके देख के कहा, दिमाग में आया, दिमाग से ये सब आया, दिमाग में आया कि अरे वो तो हमसे देख चिल्ला है, हमारा बेइज्जती हो जा रहा है रोड पे, और देख चिल्लाओ, एकदम चिल्लाए पड़े हो, एकदम जता रहे कि प्यास भी लगा है, नहीं हम क्यों पियेंगे, वो जब पिएगा तब पियेंगे, ये तो बेइज्जती हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो बेइज्जती की है, और जब बेइज्जती हो रहा है इसका मतलब काम हो रहा है, समझ जाइए। कोई आपकी बेइज्जती बुराई कर रहा है तो मुस्कुराना है और सिर्फ क्या कहना है, और करो बस। अब यही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अनस सर के ऊपर एक थॉट है कि ये उनका बचपन नहीं ये उनकी जवानी है, ये उनका बचपन नहीं ये उनकी जवानी, क्योंकि इनका स्टाइल और एटीट्यूड बचपन से खानदानी है। Shaam mein mera naam hu।
तो कुछ
करने तो दो, धकेल दो हम लोग को सब, नहीं तो हमारे यहाँ कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज बताएंगी, तो कृपया साइलेंस बनाए रखें, ठीक है, और तालियों से स्वागत करें मैम का। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अपने नाम की वजह से, अपने
प्राउड होता होगा ये सुन के। पेरेंट्स को इसमें नहीं खुशी मिलती है कि लोग कहें कि उनके लड़के जा रहे हैं, बल्कि पेरेंट्स को इसमें खुशी मिलती है जब वो बोले कि वो जो होनहार लड़का है तुम पकड़ लो मेरा तेज और बहुत आगे है। तो आप खुद पे भी प्राउड करना चाहते हो और अपने पेरेंट्स पे भी प्राउड करवाना चाहते हो ना, ये तो चाहते नहीं। जूम कर दे, जूम बैठ रहे हो, लंच कर रहे हो, घर चले जाते, इतनी तो आपकी लाइफ नहीं है ना। अरे अरे आपकी लाइफ उससे भी आगे है ना। जैसा कि जब तक आपके मन में एक उम्मीद एक उत्साह नहीं होगा तब तक आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो सब लोग अपने मन में अगर नहीं है तो उत्साह जगाइए। हम कहते हैं कि अगर आप जैसे कि ये हुआ रैली में, सर ने भी बताया कि रैली में आप दूसरे को देख के चिल्ला रहे हो कि अगर अगला चिल्ला रहा है उससे तेज चिल्लाएंगे, होता है ना, हुआ ना। तो वैसे ही क्लास में भी करो आप लोग कि अगला अगर इतना सब्जेक्ट याद कर रहा है, इतना चैप्टर याद कर रहा है तो हम उससे और ज्यादा करेंगे। अगला इतना नंबर ला रहा है उससे भी बेटर लाएंगे। जब ये शुरू हो जाएगा ना सबके अंदर तो उस दिन पूरा क्लास एजुकेटेड हो जाएगा और किसी भी बच्चे को कोई नहीं कह सकेगा कि वो पढ़ता नहीं है। और इसी तरह धीरे धीरे करके हमारा सपना है कि बेसिक एजुकेशनल अकेडमी का नाम बहुत ऊंचा ले जाएगी और इस स्कूल का भविष्य आप ही लोग हैं, तो इसको बहुत आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करती हूँ। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सना को बुलाना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। Dear people of India, have this fundamental insight to Indian constitution, testing social, economic and political liberty of town, of spiritual belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all